नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। राम मंदिर मामले में अयोध्या में लगातार सुनवाई चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि 17 अक्टूबर तक उस पर फैसला भी आ जाएगा। लेकिन अब फैसला आने से पहले ही अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। अयोध्या के डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब शहर में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके साथ ही जिले में ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी भी तरह की फिल्म रिकॉर्डिंग पर बैन लगा दिया गया है। धारा 144 10 दिसंबर तक लगाई गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की गई थी। दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और कोर्ट की संविधान पीठ 38वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी। इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू भगवान श्री राम का जन्मस्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मस्जिद मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में बनवाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। 1853 में हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ और तब इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। 1885 में पहली बार राम मंदिर का मामला कोर्ट पहुंचा और तब से लेकर आज तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन अब अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि 17 अक्टूबर तक राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा। इसी के साथ बन रही आज की खबर के साथ नमस्कार।